Hello dear engineering and medical aspirants, an important news for you. Indian Institute of Science Bangalore, it is a very prestigious premier institute of national importance. As far as NIRF rating by MHRD is concerned, in university range it is rank 1. So IISc Bangalore ek bahut important course run karta hai, BS Research, Bachelor of Science and Research. एंड बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च में जो एडमिशन दिया जाता है दैट इज थ्रू KVPY, नेक्स्ट इज थ्रू JEE मेंस एज वेल एज JEE एडवांस्ड एंड थ्रू नीट. सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज इतना है कि आपका 11th 12th में मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए. तो जब आप JEE मेंस के लिए, JEE एडवांस के लिए और KVPY के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके पास मैथ्स और बायो दोनों हो सकते हैं. बायो एडिशनल हो सकता है लेकिन मैथ्स एजेंशियल है. तो यदि आपके पास में मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट है तो आप बीएस रिसर्च कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं. और बीएस रिसर्च कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट पहले 30th अप्रैल था. अब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है एंड इट इज 22nd ऑफ मे. तो आप लोग यदि अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो लोग KVPY सेलेक्टेड हैं उन्हें तो अप्लाई करना ही करना चाहिए. बिकॉज BS रिसर्च जो कोर्सेज है ना, वर्ल्ड वाइड इनकी बहुत वैल्यू है. बिकॉज इट इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री. उनका जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिक्स का और इंडस्ट्री का, उसका मिला जुला एक अच्छा ब्लेंड बनाया हुआ है और बड़ी डिमांड है इसके, नॉट इन इंडिया बट अब्रोड ऑल्सो. तो आप सब लोग जो भी एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कीजिए. बट एलिजिबल कौन है ये एलिजिबिलिटी मैं आपको बता सकता हूं. और आप ध्यान से सुनिएगा, क्लास 12th में इस समय जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं. और क्लास 12th पास्ट जिन्होंने 2019 में 12th कर लिया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 60% होना चाहिए. ओनली 60% इन 12th स्टैंडर्ड एग्रीगेट. और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं, उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही एलिजिबिलिटी है. सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर इन कैटेगरी जोन, इफ दे आर having the passing marks, they are eligible to apply for. And those who are not in reserved category should have aggregate 60% marks in class 12th. Important है कि आप 22 मई से पहले apply कर दीजिए. जैसे ही मौका मिले वैसे ही apply कर दीजिए. Wait मत कीजिए किसी भी हालत में. और इंतजार कीजिए कि जैसे ही JEE मेंस और JEE एडवांस के एग्जाम हो फिर आपकी एक अलग से मेरिट लिस्ट उनके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी. KVPY के अकॉर्डिंग अलग मेरिट लिस्ट है, JEE मेंस के अकॉर्डिंग अलग है. एंड एक कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाता है थ्रू 3 prongs और rather 4, थ्रू KVPY, थ्रू JEE मेंस, थ्रू JEE एडवांस, थ्रू नीट. ये जो BS रिसर्च कोर्सेज है ये बैचलर ऑफ साइंस इन, ये रिसर्च कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ साइंस BS रिसर्च कहलाते हैं. दीज आर अवेलेबल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस. ये अवेलेबल है इन स्ट्रीम्स में. यूजुअली लोग जो जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं. इन जनरल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तो ये बात की बात है. पहले एक बार देखते हैं कि हम वहां सेलेक्ट हो पाते हैं नहीं हो पाते, उसके बाद उनको देखेंगे. बट यू शुड अप्लाई. थैंक यू वेरी मच.